जब करंट लैग कर रही हो ई आस लेस बी पे को ये करंट ली डैश करा ई आस ग्रेटर देन बी पे को ये ग्रेटर को ई एम वाला नो पति Now what basically we are trying to understand here is we are changing the field current on the motor. By changing the field current, I'm not changing the load on the motor. Motor ke load ke saath main koi change nahi kar raha, main khali field current change kar raha. And I want to study the effect of change in the load. Sorry, effect of change in the field current. Since load is constant, that is load torque has not changed. Whatever I do with the field current, kam kara, zyada kara, baat machine mein field current. मेरा लोड जो है वो है ना फिक्स. हाउ मच इंड्यूस टॉर्क शुड माय मोटर प्रोड्यूस इक्वल टू लोड टॉर्क. फॉर दिस मोटर टू ऑपरेट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन माय इंड्यूस टॉर्क हैज टू बी इक्वल टू द लोड टॉर्क. अभी मोटर ऑपरेट कर रहा है नॉर्मली, लोड टॉर्क कुछ है इस पे, आपका इंड्यूस टॉर्क है कुछ, द टू आर इक्वल, दिस इज नॉर्मली वर्किंग. नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ट्वीकिंग विद द फील्ड करंट. आपसे फील्ड करंट कम कर रहे हो, फील्ड करंट ज्यादा कर रहे हो. Will it have an impact on the load torque? Will it have an impact on the induced torque? It cannot. Why? Why? Because induced torque on the machine will all the time be equal to the load torque. Which is necessary. Machine can do the load torque produce then load as well. हाँ, अब phase हो जाएगा एक जगह पे. अगर load torque इतना ज़्यादा है कि जितना machine produce ही नहीं कर सकता है, उस time पे वो stall करेगी machine. या तो उन्होंने रात full out torque उधर रुक जाएगा फिर. हर सिचुएशन में इंड्यूस टॉर्क जरूरी इक्वल लोअर टॉर्क. लोअर टॉर्क जो फिक्स, सो कर मैं चेंज की मैं फील्ड के साथ कर रहा हूं, सो माय इंड्यूस टॉर्क विल नॉट चेंज. व्हेन रॉबल इंड्यूस टॉर्क भी चेंज करता हूं, आज तो लोअर टॉर्क चेंज करता हूं, आज तो लोअर टॉर्क कॉन्स्टेंट, इंड्यूस टॉर्क कॉन्स्टेंट, दैट इज पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज कॉन्स्टेंट टूडे, देयर इज नो चेंज इन द पावर आउटपुट. चीज पावर इज दोनों तरीके से पावर पी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वी फाइव E A sine of delta divided by X S. फिर कल हम बोल रहे थे E A sine delta will change because power is changing. आज मैं बोल रहा हूँ जब power change ही नहीं होगा तो E A sine delta held to remain constant, है ना? ये कैसे change कर सकते हैं? रे आपको सुना भी यूँ है कैसे change कर सकते? याद चुप. Point number two, power P can also be written as three times V phi I A cos of theta. कल मैं बोल रहा था आई ए कॉस थीटा से चेंज, वो इंक्रीज हो रहा था प्रोजेक्शन उसकी ऑन द वी फाइव, आज बोल रहा हूं वो कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि पावर चेंज ही नहीं हो रहा है. नो सपोज यू आर चेंजिंग द फील्ड करंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एज वी चेंज द फील्ड करंट. है अगर तो फील्ड करंट इंक्रीज कर रहा है, इफ वी इंक्रीज फील्ड करंट, इफ आई एफ इज इंक्रीज्ड, अगर फील्ड करंट इंक्रीज करनी चाहिए, ऑल ऑफ अस नो दैट ई ए इज इक्वल टू के फाइव ओमेगा, के इज कांस्टेंट, ओमेगा ऑफ द मोटर हैज टू बी कांस्टेंट बिकॉज दैट इज लॉ फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रेड, इट इज ए फील्ड राइट. द ओनली थिंग बाय चेंजिंग द आई एफ इज दैट यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द फ्लक्स फाइ इन द मशीन. व्हेन यू इंक्रीज द फ्लक्स फाइ सो ई ए विल इंक्रीज, देयरफॉर इफ आई एफ इज इंक्रीज्ड E A will increase. E A increases. ठीक है? So there is no issue. मैं ये वो increase कर देता यहाँ से यहाँ बना देता. But the problem here is, if I increase E A, what happens to power P? But it cannot increase because load torque is constant, load power is constant. So you have to increase E A in such a manner such that P does not change, P remains constant. समझो यहाँ कैसे सुना हूँ? Three तो constant है ही है, X तो है ही है constant, V five तो है ही है constant. Machine में जो चीजें change हो सकती है दो, E A तो sine delta U में जहाँ कर change किस. अगर आप बोल रहे हो सर E A बढ़ना चाहिए, but P फिर भी constant रहना चाहिए, उसका मतलब है ना E A sine delta मिला के constant रहना चाहिए. अगर ये बढ़ेगा साइन डेल्टा कम होना चाहिए, तब जाके तो इन दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तेरे बोलते हैं पी कांस्टेंट. दैट मींस नाउ आई हैव टू इंक्रीज दिस ईए इन सच अ मैनर सच दैट ईए साइन डेल्टा स्टेज एट इट्स प्रीवियस वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू. ईए साइन डेल्टा कैन नॉट चेंज, ईए कैन चेंज, नो प्रॉब्लम विद ईए, बट ईए को ऐसे चेंज करना है
सच दैट साइन डेल्टा फिर ऐसे चेंज हो उन दो का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहे, ताकि पी मेरा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन था तो मैं बड़े आंसर सर हम के लिए बोल रहे वी फाइव साइन डेल्टा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, बिकॉज वी फाइव इज कॉन्स्टेंट, वो चेंज हो ही नहीं सकता है, डेल्टा है कि चेंज किसी ये है कि चेंज जाहिर है वी फाइव चेंज करना है तो सुशीन ने कंट्रोल की मत की थ्री एक्सेस ये चीजें नहीं हो सकती है चेंज, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो दिस इज ओनली ई साइन डेल्टा की चेंज होता है। वन का समय दिन ई साइन डेल्टा रहा तो मतलब ये वो चीज इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर है दिस इज ई साइन डेल्टा, व्हाई बिकॉज दिस एंगल इज डेल्टा बिटवीन वी फाइव एंड ई ए, इसकी जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है दिस डायरेक्शन दिस इज ई ए साइन डेल्टा, एंड ये प्रोजेक्शन ये हो ई ए कॉस, ई ए कॉस ऑफ डेल्टा, पावर प्रोपोर्शनल टू ई ए साइन डेल्टा एंड दिस हैज टू रिमेन कांस्टेंट, वर्टिकल प्रोजेक्शन का जरूरी कांस्टेंट हो। वस्तु दिन बना होते बकार आई एफ इंक्रीज एंड सो ई ए इंक्रीज हाउ वेयर विल द न्यू ई ए लाई लॉग्स टू द प्रॉब्लम ऑफ आर का ई ए कांस्टेंट, ये मतलब ई ए कांस्टेंट ये जो बाय ई ए कांस्टेंट क्या है ई ए साइन डेल्टा की इंटेलेक्टली पर लाइन ऑफ प्रॉब्लम है। Now, मैं आपसे बोल रहा हूं योर ई ए हैज टू बी कॉन्स्टेंट टू लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, अगर वो इस पे कहीं भी लाइन लाई करेगा ये करता है ये जो लाई ई ए साइन डेल्टा से ये जो लाई ई ए साइन डेल्टा से ये जो लाई ई ए साइन डेल्टा से वर्टिकल प्रोजेक्शन से इन दिस केस समझे हो क्या सुना भी। सो वेयर ई ए इंक्रीज हो गया इफ ई ए इंक्रीजेस मेरे को कहने वाले ई ए इंक्रीज यहां से यहां बनूंगा कि यहां से यहां बनूंगा राइट एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट छोटा प्लीज ना राइट लेफ्ट है ये बड़ा की काम हुआ ये बड़ा की काम हुआ बड़ा डेफिनेटली दिस इज ई ए प्राइम बट व्हाट अबाउट द वर्टिकल दिस डिस्टेंस ई ए साइन डेल्टा दैट्स कॉन्स्टेंट दैट इज नॉट चेंज ये बड़ा की काम हुआ बड़ा आई काम हुआ कि बड़ा बड़ा काम की पढ़ो कम हुआ डेफिनेटली ये पर यू और हुआ तो ये प्रोड्यूस यू और हुआ बड़ोस ये पर यू और वन ये पर ना आते कि ना ये पर चीज यू और नहीं हुआ ना यहां ये बने सारे पर शॉर्ट है परपेंडिकुलर टेंपल ज्यादा सारे पर ज्यादा दूर दूर चला जाएगा। सो इस वन नो बनो ने यू सो बड़ आई ए एक्सेस नया बना ये आई ए प्राइम एक्सेस ये बड़ा करंट आई की कम हुआ काम हुआ डेफिनेटली ये काम हुआ आई ए हैज डिक्रीज श्योर मतलब आई मतलब टेंपर शो आप चीज देख चुके अब आई कहां से बनाऊंगा आई ऐसे शिफ्ट बन में डायरेक्शन में देख रहे हैं पाइन डायरेक्शन में रोज देखिए ये जेमी डायरेक्शन के चेंज करता है परपेंडिकुलर आसो मत एक नजर लगे तो क्या दिस वॉज इनिशियल आई सो वॉज यहां परपेंडिकुलर अगर मैं ये कीमत यहां वो 90 से ज्यादा है कि कम है तो इसको कहां रोटेट कर रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड्स यहां क्यों रोटेट कर रहा है 90 बनाने के लिए तेजना करंट वर्क होगा सर उस आई का मैग्नीट्यूड कम होगा कि बड़ा आई प्राइम समझे इस केस में यू विल डू यू फर्दर इंक्रीज दिस फील्ड करंट आई तो यू वेरी इंक्रीज उससे फिर से होगा फाइव इंक्रीज उससे फिर से होगा ये इंक्रीज वो बराबर जान बुझ के इक्विट या किस तरह से कि इक्विट बाइक बना आई एक्सेस और ये बना आपका ई ए डबल प्राइम ये बना आपका आई ए डबल प्राइम एक्सेस कौन सेंस से फील्ड कर रहा कैसे और बोर्पन बेगिन बोर्पन कैसे ऊपर की ओर तेरा शक्ति क्या डायरेक्शन में सो देखो ये बना है 90 डिग्री पर रहा हूँ मैं भी बड़ा काम की ज़्यादा काम को नहीं सारी बट काम दिस इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस ये काम हुआ इससे भी काम हुआ कि
बोलूंगा कि इसको क्या किया मैंने।
I cos theta has to remain constant. तो ये बोले इसको ना तो क्या बनाना है? मैं कुछ आपको बता सकता हूँ क्या करती है ये बनाना। ये है आई ए इनिशियल पद कैसा नहीं और कुन मूव, लेकिन ये इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई ए cos theta क्या रहना चाहिए? That is projection of I on the D phi has to remain constant. अब एक ही बनी यह लाइन पे। ये रिवाइज और कुन कैसी? गोपाल बापू की बोल छोटा होगा बड़ा होगा? That is so common sense. You should point each line this way. अभी ऐसे था ये बड़ा है, अब ये भी यहां जाएगा, छोटा हुआ बड़ा हुआ, छोटा हुआ बोला कम का सा वो कम पर जब यह कटवा बराबर ये तो शॉर्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम एम्पथी बे ही और गेट्स फाइन व्हेन बड़ी वापस पहला समझ में की ना तुम क्या हो यहां पे उसका कुछ वैल्यू है फिर जितना आप चेंज ये बड़ा हो गया कम हुआ ये बड़ा हो गया और कम हुआ पर जब भी ये बड़ा मां बड़ी भी रीडिंग मगर मुझको वापस दे बड़ा है ना जो यहां से हुआ था ये का ठीक से ऊपर था आई ए आई ए cos theta होना चाहिए कांस्टेंट व्हाट कैन फॉर इस एम मस्ट कंक्लूड इससे हमने ये कंक्लूड किया ई ए sin theta कांस्टेंट हो सुमक आई ए और मीटर करंट As IF increases, comma, IA is initially large lagging. Actually, large visual lagging. As IF increases, IA is initially large lagging. And with subsequent increase in IF, comma IA increase can decrease chuka tha IA decreases and becomes more ke less lagging less lagging becomes less lagging till at a particular value of IF, comma, catch person, IA is in phase with voltage V phi and has the smallest magnitude. And has the smallest magnitude. दिशा का समझ ना? अगर एम्पथी बे बड़ा हो, with further increase, in IF, comma IA now becomes leading. And keeps on increasing in magnitude. It's initially here, it's initially lagging. As you increase the field current, it becomes less lagging, must come back. It will become more active. At a point, it becomes in phase and has the shortest or smallest magnitude. When you further increase the field current, now this becomes leading and its magnitude keeps on increasing. ये जो मैंने कहानी आई थी ना, ये वो अगर बनान ग्राफिकली, this is known as synchronous motor recurve. करो दे कॉर्पस साइड.
is IF and dependent variable is IA. Between IA and IF. तो मेरे को तो इन अदर कुछ नहीं पता क्यों बात ही सपोज तो तेरे को जी आई तेरे पॉइंट स्टार्ट फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड का नहीं मतलब कुछ आई वो नहीं पॉइंट बट स्टार्ट करो इफ आई इंक्रीज दिस फील्ड करंट इनिशियली जब मैं फील्ड करंट इंक्रीज करता चला जाऊंगा जब फील्ड करंट इंक्रीज कर व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट इट डिक्रीजेस We can draw this for different roads. Of this motor and find the values of IA, IL, and EA.
Assume the shaft load is now increased to 30 horsepower. Sketch the behavior of the phasor diagram in response to this change. अब जो load है बड़ा, तो आज मैंने load बढ़ी. अब उसे 30 horsepower load बने हो. अब मैं इस phasor diagram बनाऊँ. बना बड़ा आज इसके ना load बढ़ने से भी phasor diagram change हो जाएगी. And part C is find IA, IL and EA after the load change. What is the new motor power factor? पहले तो बहाव. बहाव? Initially, the shaft is supplying 15 horsepower load and motor's power factor is 0.8 leading. A part one of P load is equal to 15 horsepower. Yeh kya 15 horsepower supply kare kitna? Assalamualaikum. शुभ रात्रि ये किस पर कैसे कैलकुलेट मोटर की इक्विपमेंट पता होनी चाहिए फेजर डायग्राम से.
अच्छा आप चीज सर नहीं पाए वी फाइव जो आप सप्लाई करते हो दैट इज इक्वल टू एक कि ये प्रोवाइड करेगा करेक्ट प्लस जे टाइम्स आई ए आई आर एम की सूची नेगेटिव होता छू ही रहा बह की इस क्वेश्चन कैलकुलेट करिए अब कुछ क्या वोल्टेज दिस इज वी फाइव कुछ आ चुकी 208 ये तो पता ही है आज कैसे चेंज थी वी फाइव से मैं पाई मुझ में ई ए काटूंगा अगर नहीं लगे तो ई ए काटू बिकॉज है ई ए डायरेक्टली है मैं कैलकुलेट बट आई कैन नॉट वाई मे मैं पाई मगर आई ए थी कि दोनों वही अनुमान तुम कर गए था इक्वेशन में कैलकुलेट बस को इक्वेशन करो बस पावर वो इक्वेशन कैसे हो जाता है पड़ गया ना कितना अच्छी शुद्ध दिन ही तेरी सॉल्व करने पावर फैक्टर तो पाई पावर तो पाई मैं पावर की इक्वेशन आपकी किस पे पाई सिर्फ पावर पी इज इक्वल टू अब करो लॉस माइनस से फिर मामले से कर बात पावर पी शना में पाई आसान टोटल इंड्यूस पावर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स V5 IA cos of theta थे मैं शुन डेल्टा बता रही हूँ कि लास्ट में इंसान मार्शल बता है अगर मैं डेल्टा आ जाए तो करो मैं डेल्टा को स्क्वायर कर दूँ वैसे भी कर सकता था मैं एंड यह इक्वेशन बस क्या करेंगे क्या ब्रेड थ्री छह में पाई V छह में V5 छह में पाई cos theta छह में पाई मैं कितना आई क्या ब्रेड कितना पावर छह पाई कितना है ना पता कितना पावर होना चाहिए 15 हॉर्स पावर को आप क्या बनाओगे वॉट्स में 15 हॉर्स पावर मोटर दे रहे हैं पावर मल्टीप्लाई दैट बाय 746 सो बराबर किलोवाट में सो कुछ डिवाइड बाय 1000 तक बराबर किलोवाट में दिस इज 11.19 किलोवाट फिर जो मशीन में इनपुट पावर जाना चाहिए दी इनपुट टू द मशीन आखिर जो मशीन में कुछ ऐसा आउटपुट पावर नहीं वाली बात देख दिया शुरू लॉस हो गया था लॉस तो वो लेने का नहीं थी फ्रिक्शन में डी ओवर लॉस मतलब कि सर आप मैं कहता हूँ कॉपर लॉस ना एम मच रेजिस्टेंस दिखने दो रेजिस्टेंस से नेगेटिव तो सो लॉस छुई है इनपुट पावर होना चाहिए एक तो पी आउटपुट जो ये बाहर दे रहा है पावर ये हॉर्स पावर और आउटपुट पावर के इनपुट पावर आउटपुट पावर लोड को चाहिए कितना इनपुट में बोलते हैं आउटपुट का शुद्ध पावर प्लस पी लॉसेस ये मिस कॉन्सेप्ट क्लियर आज तक शुक्र जो न्यूमेरिकल का इशू है पी आउट इज 11.19 किलोवाट व्हाट आर पी लॉसेस 1.5 प्लस 1 सो पी इनपुट इज इक्वल टू 2.5 टोटल दिस इज इक्वल टू 13.69 किलोवाट दिस इज द इनपुट पावर एंड मैं कहता हूं अगर मुझे करंट कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं हो इनपुट पावर जो मोटर में जा रहा है सुकत कर चुका बराबर थ्री टाइम्स फेज की क्या वोल्टेज है वी फाइव फेज की क्या करंट है आई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा है नहीं है व्हाट इज पी इनपुट 13.69 किलोवाट थ्री इज थ्री वो कॉन्स्टेंट वी फाइव आप कुछ मुश्किल अच्छा फेज वोल्टेज लाइन अच्छा नहीं लाइन वोल्टेज पर कनेक्ट करने में फेज वोल्टेज मगर डेल्टा कनेक्ट उससे 208 इंटू आई ए वो होगी कैलकुलेट कॉस थीटा पावर फैक्टर कितने थे खुदा पॉइंट
you solve this, you will calculate I directly as I A is equal to this comes out to be 27.4 amperes. इतना वापस ले रहे हैं V5 बनो मिशन पाइप में लीक होता है. व्हाट थिंग अदर मेरे को? शुभम जी रिकॉर्ड किया है कि बैटरी चली गई क्योंकि बात की है. V5 208. वांट यू ना करंट आई एंगल बढ़ो बनावा सुगर में क्या है? पूरा शिफ्ट 27.4 amperes. अब कहाँ यहाँ यहाँ बनाओगे कहाँ बनाओगे कहीं से भी बनाओगे एंगल तो आई है उन्हें वो रहे पूरा लीड सुना 0.8 वो कॉस ऑफ थीटा इज 0.8 थीटा इक्वल टू कॉस ने वो 0.8 पावर फैक्टर ना पाई क्या वो पावर फैक्टर मतलब वो कॉस थीटा पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 0.8 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 एंगल कैलकुलेट करना था व्हेन यू नीड के 37 पॉइंट समथिंग यू नीड 36.87 लीड से क्या है एक्शन क्या एक्शन यार डायरेक्शन मस 36.87 यार इसको का मैग्नीट्यूड करंट है 27.4 एम्पीयर. सम प्रॉब्लम्स आप डायरेक्ट ही कर सकते हो मैथमेटिकल कैमरे मगर फेजर डायग्राम का कोई बनाओ ना चीज पता हर तुम में गलत ही फेजर डायग्राम बहन की कितने हम उस सॉल्व मगर बनाओ कैसे फेजर डायग्राम इससे आपको क्लियर रहता है कि आप क्या कर रहे हैं.
I am the line current, that is root 3 times the I delta connection chuna is equivalent to root 3 as it is, I equal barabar 27.4. If you solve karo, this should come out to be 47.5. Go up part. Carry. What is the emphasis part? Assume the shaft load is of increased 30 horsepower. Sketch the behavior of phasor diagram in response to this change. Shaft load ab badh gaya. Kitna badh gaya? 30 horsepower. Abhi kitna tha? 15 horsepower. Ab ho gaya 30. Ye kar sakta hai? Sakta hai ki nahi kar sakta hai? Kar sakta hai. Ye 45 tak kar sakta hai. Now load doubled. Load ko double. Kaise banaunga phasor diagram mein kya hai? Fir draw those banao. दिमाग में रखने हैं कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए इस पे। मैं उन्हें पूछे कि ये कोर में चेंज, मैं कह रहा फील्ड करंट चेंज, ये का तो कैसे करी चेंज? जब करंट फील्ड करंट से खाली, ये शुद्ध कितनी से चेंज के साथ, कितना? ये का बराबर k phi ओमेगा, k थी कॉन्स्टेंट, ओमेगा थी कॉन्स्टेंट, तो ये कह रहा phi से डिपेंड। मैं उन्हें पूछे मैं कर फील्ड करंट चेंज, तेरे को भाई ये चेंज, ये जो कॉन्स्टेंट, हाउ मच इज ये? शाबाश यह रूट सेम सो कैसे बनते बराबर यार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज आई ए गुना क्वेरी चेंज लेफ्ट हैंड साइड ना सेम पानो ये गोल बस अगर आई ए गो क्वेरी चेंज किस पर बन बराबर यार बाबा बी 5208 इज शाबाश उसका एंगल डेल्टा भी चेंज हो जाएगा सच दैट आई ए चेंज का सब डेल्टा चेंज जो का पानो से जिस पर चेंज हो ने वापस रिजल्ट में वोल्टेज तक के फर्क है समझ आवा एसी कॉन्डिशन डीसी यहाँ करंट का एंगल भी चेंज हो जाएगा जो आप कल तक बोल रहे थे सर आई ए कैसे चेंज मगर आई ए साइन डेल्टा वेव में कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होगा ये वैसे एडजस्ट करेगा इस ग्रुप से वह क्या सब बताइए सॉल्व कर मैं किस गोल्ड पर दें स्टेप ठीक है दें स्टेप हम पावर आउटपुट को चेंज 15 शून्य ये कुछ अश्वाय 30 हर पर वो ये वो चलिए ट्वाइस हो ना ये वो टू टाइम्स फिर मैंने चली पी इनपुट पी आउट गो इंडिया गुड टू वाइज टू इनटू दिस प्लस लो असमेंट पानी सो बोली की हिंच हिंच पी इनपुट गो में चेंज किया भाई से अराउंड 30 हो गए व्हाटएवर इट ये पी इनपुट को मैं नो वैल्यू तो पी इनपुट इज इक्वल टू 3 टाइम्स v5 ia cos थीटा व्हेन यू टू मैंने आप चीज ये बोल रहा हूं यहां व्हाट अबाउट थीटा विद थीटा रिमेन सेम और विल थीटा चेंज इट विल डेफिनेटली चेंज गैस है कितना ये थीटा को चेंज या तो या एक्सप्रेशन को सो बना पी इनपुट को चेंज सो जो नो मुझे में वैल्यू पाई थ्री छे में पाई वी फाइव छे में पाई आई ये कॉस थीटा ना शुद्ध में पाई में किन छे पाई अभी कैसे क्या कर रहे तो यार वो क्वेश्चन में होता हूँ पी इनपुट उस नोम कैलकुलेटर में सुपर होता है कैलकुलेटर थ्री जो पाई बी फाइव जो पाई मगर तुझे ना सर आई ए के रूप में सेम के सुपर चेंज मगर थीटा के रूप में सेम के सुपर चेंज अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको आई ए भी नहीं पता है थीटा भी नहीं पता है मस्त क्या है इस कैलकुलेटर के डेल्टा थीटा से दिन नहीं रही चिपाने की ये साइन उससे क्या कैलकुलेट करोगे उससे निकलेगा ना मैं पता है पावर पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी फाइव ई ए साइन डेल्टा डिवाइड बाय एक्स एस
3 چھ پائی وی فائی چھ پائی ای اے چھ پائی ایکس ایس چھ پائی اتھ کیا گژھِ کیلکولیٹ وہاں ڈیریکٹلی آپ سائن ڈیلٹا بول دو گے اگر سائن ڈیلٹا پائی لے تمہیں کیا مل پاتا With respect to? शाबाश चलो कि ए साइन बाय विद रिस्पेक्ट टू बी फाइव उससे फिर क्या होगा शाबाश जल्दी जल्दी सिचुएशन में होल्ड करेंगे वहां से आए बे बोलो तो ये आई एक एंगल में शाबाश पाई अब कुछ है ना आई एक एंगल भी एक इसमें कैलकुलेशन करनी है तो अभी दिमाग में मगर मन किसके अब कैलकुलेशन चुकी है एक्स्ट्रा मिलेगी थोड़ा वीडियो आप पर कंसंट्रेट के जो गरीब पॉलिश है किधर भी लिखिए गोड़ के जो पॉइंट है एंड तक पास हो जाती है एक सिंपल सा